प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद अब रेवाड़ी में भी अधिवक्ताओं में रोष है और मौजूदा सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने सीटीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया था प्रमोशन में रिजर्वेशन और जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात जो कही थी कि वो मौलिक अधिकार नहीं है, समस्त अनुसूचित जाति समाज उस फैसले से सहमत नहीं है। ये फैसला कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में दिया हुआ है, तो हमारी सरकार से मांग यही है कि इस फैसले पर एक बार रिव्यू पिटीशन दायर करके और इस फैसले को बदला जाए, क्योंकि हजारों साल से जो समाज शिक्षा से वंचित रहा है, नौकरियों से वंचित रहा है, और अगर उसके बारे में इस तरह का फैसला दिया जाएगा तो वो सरकार के लिए समाज के लिए हितकारी नहीं रहेगा। क्या कहेंगे अभी जो ज्ञापन दिया है इसमें? 6-7 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है सीटीएम को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको सरकार या तो इसमें नौवीं अनुसूची में डाल के और इसमें उसका संशोधन करे और इसको दोबारा से लागू कराया जाए, सरकार से हमारी मांग लोकसभा में पारित किया जाए या फिर रिव्यू पिटीशन द्वारा इसको रिव्यू किया जाए। 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर ये कह दिया कि भाई ये मौलिक अधिकार नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, तो हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हमारी जी जो वर्तमान सरकार है, हमारा उसे यही गुजारिश है कि जो भी फैसला था वो हमारे लिए